टुंड्रा प्रदेश के आदिम जनजाति एस्किमो। शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेश अत्यधिक शीतल तथा हिमाच्छादित रहने के कारण लगभग जनविहीन प्रदेश है। यह प्रदेश आर्कटिक महासागर के चारों ओर विस्तृत है, जिसके अंतर्गत उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड तथा यूरेशिया के उत्तरी भाग सम्मिलित है। इस विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में कुछ जनजातियों का निवास है, जिन्हें विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। यूरोप में स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लैप्स या सामी, साइबेरिया के उत्तरी भाग में समोयद, याकूत, युकादीर, चुक्सी आदि जनजातियों के लोग रहते हैं। टुंड्रा प्रदेश के निवासी इन जातियों के व्यवसाय तथा रहन सहन में अधिक अंतर नहीं है, किंतु इन सब में एस्किमो अपेक्षाकृत उन्नतिशील और विकसित है। इन सभी जातियों के लोग मुख्यतः आखेटक है तथा स्थानीय जीवों का शिकार करके जीवन यापन करते हैं। एस्किमो का निवास क्षेत्र। एस्किमो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तटों पर समीपवर्ती बेफिन आदि द्वीपों तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में निवास करते हैं। एस्किमो उत्तरी कनाडा के मूल निवासी हैं, यद्यपि ये लोग अधिक विस्तृत क्षेत्र पर बिखरे हुए हैं, किंतु इनकी सभ्यता का विकसित रूप बेफिन द्वीप और हडसन खाड़ी के उत्तरी भागों में पाया जाता है, जिसका विस्तार 60 डिग्री और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। ग्रीनलैंड में पश्चिमी तट पर 65 डिग्री और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में एस्किमो पाए जाते हैं, जिन पर बाह्य सभ्य संसार का अल्पतम प्रभाव पड़ा है, जबकि अन्य प्रदेशों के एस्किमो की आर्थिक क्रियाओं तथा रहन सहन में यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों के संपर्क से उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए हैं। प्राकृतिक पर्यावरण। ध्रुव प्रदेश के निकट टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत स्थित एस्किमो के निवास क्षेत्र में कठोर शीत ऋतु होती है। वर्ष के 9 महीने कठोर शीतल जलवायु के कारण धरातल तथा समुद्र हिमाच्छादित रहता है। शेष 3 महीने में ही बसंत, गर्मी और पतझड़ सभी ऋतुओं का चक्र पूरा हो जाता है। शीत ऋतु का औसत तापमान स्थलीय भागों पर 40 डिग्री सेल्सियस तथा सागर तटीय भागों पर 35 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। शीत ऋतु लंबी होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं। इस समय उत्तर दिशा से तेज़ बर्फीली आंधियां चलती है, जिन्हें ब्लिजार्ड कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के मात्र 2 महीनों मई और जून में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है और तटीय भूमि तथा सागर के कुछ भाग बर्फ मुक्त हो जाते हैं। सदैव या अधिकांश समय हिमाच्छादित रहने के कारण टुंड्रा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है और
प्रायः नग्न चट्टानें ही पाई जाती हैं। शीतल कठोर जलवायु तथा मिट्टी के अभाव में यहाँ वृक्ष नहीं उग पाते हैं। केवल ग्रीष्मकाल में शैवाल, काई, लीचेन, कुछ रंग बिरंगे फूल आदि धरातल पर दिखाई पड़ते हैं, जहाँ मिट्टी की हल्की परत बन जाती है, वहाँ छोटी छोटी घासें और झाड़ियाँ भी देखी जा सकती है। लघु ग्रीष्म ऋतु के पश्चात हिमपात आरंभ हो जाता है और संपूर्ण धरातल पुनः हिमाच्छादित हो जाता है। टुंड्रा के शीत प्रदेश में वनस्पति की भांति जीव जंतु भी कम मिलते हैं। स्थल पर रेंडियर, कस्तूरी मृग, ध्रुवीय भालू, खरगोश, लोमड़ी, गिलहरियाँ आदि जीव पाए जाते हैं। हंस, बतख, टार्मिगन आदि पक्षी समूह भी ध्रुवीय क्षेत्र में मिलते हैं। इनके रंग श्वेत होने के कारण इन्हें हिम क्षेत्र में कठिनाई से देखा जा सकता है। समुद्री जीवों में सील, वालरस और व्हेल प्रमुख है। यहाँ कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ भी पाई जाती है। एस्किमो के शारीरिक लक्षण। एस्किमो सहित ध्रुव प्रदेश के निवासी सभी जनजातियाँ याकूत, चुकसी, युकाधीर आदि मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित हैं। इनका शारीरिक कद छोटा 165 से 163 सेंटीमीटर होता है। इनके त्वचा का रंग पीला या पीला भूरा, नेत्र काले या भूरे होते हैं। आँखों की पलकें पतली और झुकी हुई होती है, जो मंगोलियाई मोड को प्रकट करती है। इनका चेहरा लंबा और नाक चपटी होती है। व्यवसाय। एस्किमो का मुख्य कार्य आखेट या शिकार करना है। उनके और उनके परिवार का जीवन जीवों के शिकार पर ही निर्भर होता है। इनके समस्त भोज्य पदार्थ ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों से ही प्राप्त होते हैं। एस्किमो शिकार की खोज में भ्रमण करते हैं और वहीं स्थायी निवास बनाते हैं, जहां शिकार उपलब्ध होते हैं। इनकी भोजन सामग्री, वस्त्र, गृह निर्माण सामग्री, परिवहन के लिए स्लेज गाड़ी अथवा नाव बनाने की सामग्री आदि सभी जीवनोपयोगी वस्तुएं शिकार किए गए जीवों से ही प्राप्त होती हैं। ये लोग वर्ष भर शिकार करते हैं, किंतु शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आखेटों के प्रकार, तरीकों तथा शिकार के जीवों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। समुद्री तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में सील, वॉलरस और व्हेल आदि विशाल जीवों के अतिरिक्त ध्रुवीय भालू का भी शिकार किया जाता है। यद्यपि सागरीय तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों का शिकार ही प्रमुख होता है, किंतु स्थल पर भी कई प्रकार के पशु पक्षियों के शिकार किए जाते हैं, जिनसे उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ये लोग स्थल पर कैरिबो, लोमड़ी, खरगोश, जंगली रेंडियर तथा पक्षियों का शिकार करते हैं। ध्रुवीय प्रदेश में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ शिकार करने के ढंग और शिकार के जीव भी बदलते रहते हैं।
शीत ऋतु में संपूर्ण स्थलीय भाग हिमाच्छादित हो जाता है, इसलिए शीत ऋतु के आरंभ नवंबर में लगभग सभी एस्किमो परिवार समुद्री तट के निकट एकत्रित होते हैं और शीत ऋतु के अंत मार्च अप्रैल तक वहाँ रहते हैं। वहाँ ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं जो बर्फ की चादर के नीचे समुद्र में रहती है। एस्किमो बर्फ़ को खोदकर उसमें छिद्र बना देते हैं। इस छिद्र से सील मछली सांस लेती है। मछली की उपस्थिति का आहट पाकर ये लोग अपने हार्पून नामक भाले से उसके मुंह को नाथ देते हैं और उसे बर्फ़ हटाकर पकड़ लेते हैं। इस प्रकार का आखेट माऊ पाक कहलाता है। सील मछली से भोजन के अतिरिक्त ईंधन के लिए पर्याप्त चर्बी भी प्राप्त होती है। थोड़ी गर्मी बढ़ने पर मार्च अप्रैल में सांस लेने के लिए सील मछलियां छिद्रों से होकर बाहर निकलकर धूप लेने लगती है, तब इनका शिकार करना अधिक सुगम होता है। बेफिन की खाड़ी के समीप तथा हडसन की खाड़ी के उत्तरी तट पर वॉलरस मछली का शिकार किया जाता है क्योंकि वहां इसकी बहुलता है। ग्रीष्म ऋतु मई से सितंबर में बर्फ़ फिगर के पिघलने पर धरातल पर कई प्रकार की लघु वनस्पतियां उगती है, जिनमें शैवाल, काई, लिचेन के अतिरिक्त कुछ रंग बिरंगे फूल और घासें भी उगती है। इस समय एस्किमो मुख्यतः स्थलीय पशु पक्षियों का शिकार करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये लोग स्थल के भीतरी भागों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं और विस्तृत क्षेत्र में कैरिबो और रेंडियर के झुंडों को खोजते हुए भ्रमण करते हैं। ये दोनों जीव शीत ऋतु में दक्षिण की ओर टैगा वनों की ओर चले जाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेश में लौट आते हैं। इनके मुख्य भोजन काई, लिचेन, शैवाल, लघु झाड़ियाँ आदि है, जो गर्मी में यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में शिकार अधिकांशतः सामूहिक रूप से किए जाते हैं और इनमें धनुष बाण का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त लोमड़ी, खरगोश, गिदड़ आदि जानवरों को जाल में फंसाकर पकड़ते हैं। भोजन शीतल ध्रुवीय प्रदेशों में वनस्पति का उत्पादों का सर्वथा अभाव पाया जाता है और यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन पशुओं और मछलियों का मांस है, जिसे वे आखेट करके प्राप्त करते हैं। इसके समस्त भोज्य पदार्थ जीवों से ही प्राप्त होते हैं। एस्किमो मांस को अधिकांशतः कच्चा ही खाते हैं, किंतु कभी कभी मांस को पकाकर भी खाया जाता है। वस्त्र एस्किमो लोग आखेट से प्राप्त पशुओं के चमड़े को ही अपने वस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं, जो कैरिबो और सील मछली के चमड़े से बनता है, जो गर्म और हल्का होने के कारण अधिक उपयुक्त है। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर कैरिबो नहीं मिलते हैं, अतः वहां ध्रुवीय भालू के चमड़े का उपयोग करते हैं। एस्किमो की महिलाएं वस्त्रों की बुनाई और सिलाई के लिए पशुओं की हड्डियों की सुई और उनके खाल के धागे का प्रयोग करती है। इनके वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं होता है। शीत और हिमपात से सुरक्षा के लिए ये लोग जलाभेद या वाटरप्रूफ वस्त्रों और समूरधारी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इनके संपूर्ण अंग वस्त्र से
ढके रहते हैं। स्त्री पुरुष सभी समूरधारी चमड़े के बने दस्ताने पहनते हैं और पैर में मोटे चमड़े के जूते पहनते हैं। गृह या घर। टुंड्रा प्रदेश में प्रतिकूल शीतल जलवायु, मिट्टी और लकड़ी के अभाव में भ्रमणशील मानव जीवन के कारण स्थायी गृह का निर्माण नहीं किया जाता है। एस्किमो के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन निवास गृह अलग अलग होते हैं। ये लोग ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की हड्डियों से बनाए ढांचे पर खाल मढ़कर टेंट बनाते हैं और उसी में निवास करते हैं। चमड़े के ऐसे तंबुओं को स्पूयूपिक्स कहते हैं। ऐसे टेंट सील के चमड़ों को परस्पर सील कर बनाए जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमपात तथा बर्फीली आंधियों के आने से ऐसे तंबू बेकार हो जाते हैं तथा जाड़े में इन शिविरों के स्थान पर इग्लू, जो बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। इसके लिए हिम के चौकोर टुकड़े की ईंटें बनाकर एक दूसरे को जोड़ते हुए इग्लू की दीवारें बनाई जाती हैं। दीवारों को भीतर की ओर झुकाते हुए एक गुम्बदाकार ढांचा बनाया जाता है। गुम्बद के संकीर्ण ऊपरी भाग को हिमखंड से ढक दिया जाता है। बर्फ के टुकड़ों के मध्य की दरारों को हिम से बंद कर देते हैं। इस प्रकार हिमखंडों से निर्मित ढांचे के भीतर पशुओं की खाल को अस्तर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। बर्फ की दीवार और खाल के अस्तर के बीच जगह छोड़ दी जाती है, जिसकी हवा निकलने के लिए ऊपर बर्फ की छत में एक छोटा छिद्र छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का विशेष ग्रह थर्मस की भांति काम करता है। इस प्रकार खाल की खोल के अंदर का तापमान हिमांक से ऊपर 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, फिर भी बाहर की दीवारें नहीं पिघलती है, क्योंकि बर्फ की दीवार और खाल की खोल के बीच ठंडी हवा भरी रहती है। इग्लू में प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार बनाया जाता है, जिसमें लेटकर तथा रेंग कर प्रवेश किया जाता है। इसे भी बर्फ के टुकड़े से ढक दिया जाता है। बड़े इग्लू का व्यास लगभग 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर होती है। इस प्रकार के इग्लू बनाने में 1-2 दिन का समय लग जाता है, किंतु छोटे व अस्थाई इग्लू को ये लोग 1 घंटा में ही बना देते हैं। यातायात के साधन। एस्किमो स्थल पर यातायात के साधन के रूप में पहियों की स्लेज नामक गाड़ी का प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी मुख्यतः व्हेल की हड्डी या लकड़ी से बनी होती है, जिसे कुत्ते खींचते हैं, जो हष्टपुष्ट और शक्तिशाली होते हैं। एस्किमो स्लेज गाड़ी द्वारा शीत ऋतु में बर्फीले धरातल पर और ग्रीष्म ऋतु में चिकनी काई के ऊपर सुगमतापूर्वक यात्रा करते हैं। एक स्लेज को सामान्यतः 5 से 6 कुत्ते मिलकर खींचते हैं। इनमें एक कुत्ता सबसे आगे और अन्य गाड़ी के पास ही रखे जाते हैं। कुत्तों का मुख्य भोजन सील मछली की मांस होती है। लेप्स लोगों की स्लेज गाड़ी को रेंडियर खींचते हैं, जो काई, लिबेन, लिचेन, घास आदि पर निर्भर होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिम के पिघलने पर खुले जल नदियों और समुद्रों में शिकार करने के लिए नावों की आवश्यकता होती है। इसके लिए एस्किमो व्हेल की हड्डी या लकड़ी के ढांचे पर ऊपर से सील मछली की खाल मढ़कर एक प्रकार की नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है।
अलास्का और ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं, विशेष रूप से व्हेल के शिकार के लिए अपेक्षाकृत बड़ी और चौड़ी नाव का प्रयोग किया जाता है, जिसे उमियाक कहा जाता है। शिकार को इन नावों में लाद कर लाया जाता है। उमियाक भी हड्डी या लकड़ी के ढांचे पर खाल से निर्मित होती है। अस्त्र और उपकरण। हार्पून एस्किमो का प्रमुख और परंपरागत हथियार है, जो लगभग 1.5 मीटर लंबा भाले के आकृति का होता है। हार्पून व्हेल या डलरस की हड्डी से बनाए जाते हैं। शीत ऋतु में बर्फ में बनाए गए छिद्र से सील मछली को हार्पून से मारा जाता है। खुले समुद्र में हार्पून को फेंककर शिकार करते हैं। इसके द्वारा एस्किमो सील, व्हेल या अन्य शिकारों को सुगमतापूर्वक मार गिराते हैं। ये लोग सील मछली की हड्डी से बनाई गई चाकू का प्रयोग मांस, चमड़े, बर्फ आदि काटने के लिए करते हैं। सिलाई के लिए हड्डी की सुई बनाई जाती है। एस्किमो का सामाजिक संगठन। एस्किमो एक पितृवंशीय जाति है, जिसमें प्रत्येक समूह के वरिष्ठतम व्यक्ति को मुखिया माना जाता है। वही शिकार और मछली पकड़ने के स्थान का चुनाव करता है और समुचित निर्देश देता है। शिकार से प्राप्त सामग्री समूह के मुखिया को सौंप दी जाती है और वही उसका बंटवारा करता है। शिकार एस्किमो का मुख्य व्यवसाय होने के कारण युवाओं को कैरिबो, रेंडियर, सील, वालरस आदि विभिन्न प्रकार के जीवों के शिकार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एस्किमो कला कौशल में दक्ष होते हैं, जिसका प्रमाण उनके द्वारा निर्मित इग्लू, स्लेज गाड़ी, कयाक, उमियाक नावें, हार्पून आदि है। अमेरिकन व यूरोपियन श्वेत लोग द्वारा एस्किमो के निवास क्षेत्रों में जाने से उनके संपर्क से एस्किमो के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। अब वे परंपरागत धनुष बाण के स्थान पर बंदूक और हड्डी की सुई के स्थान पर इस्पात की सुई और आग जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करने लगे हैं। स्लेज के स्थान पर इस्पात का भी प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार एस्किमो संस्कृति प्रस्तर युग से लोह युग में प्रविष्ट हो गई है। श्वेत जन एस्किमो लोगों को उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं देकर बदले में खाल, अस्थियां, समूर आदि खरीदते हैं। एस्किमो के भरण पोषण की परंपरागत जीवन शैली बदली है और वे समूर का व्यापार करने लगे हैं। पर्यावरण से समायोजन। संभवतः विश्व का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां एस्किमो के निवास क्षेत्र के जैसी विषम और प्रतिकूल भौगोलिक दशाएं और एस्किमो जितना कठोर जीवन पाया जाता है। फिर भी शीत प्रधान इस प्रदेश में एस्किमो लोगों ने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने का यथासंभव प्रयास किया है। एस्किमो के भोजन, वस्त्र, गृह, यातायात के साधन, औजार, धनुष बाण आदि सभी प्राकृतिक पर्यावरण के विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन के ही परिणाम है। टुंड्रा प्रदेश में समस्त मानव क्रियाकलाप अधिकांशतः प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित है और यह पर्यावरण नियतिवाद का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ मानव की समस्त मौलिक आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, घर, औजार आदि आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक संगठन तथा संस्कृति आदि पर्यावरणीय दशाओं से नियंत्रित